एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर गुड। और आज मैं आपके साथ एक ब्लीच की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने मुझे बोला था कि हमें बताइए कि घर में हम कैसे ब्लीच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि ब्लीच स्टेप बाय स्टेप कैसे की जाती है, उसका मेन प्रोसीजर क्या होता है। सो गाइज, इस वीडियो के साथ जुड़े रहे, बने रहे, तभी आपको समझ आएगा कि हम एक नॉर्मल घर में ब्लीच कैसे कर सकते हैं। और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। जिन जिन ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। तो गाइज, मैं अभी आपको बताती हूँ कि हम ब्लीच कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, जैसे कि इनकी सीटीएम हम कर चुके हैं। मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने सीटीएम की वीडियो डाली हुई है। बिफोर ब्लीच पहले सीटीएम करना जरूरी होता है। हमने सीटीएम इनका कर दिया है, लेकिन हम ब्लीच करने से पहले इनके हेयर टेक्सचर देखेंगे कितने ब्लैक है। और आप देख सकते हो इनका हेयर्स जो है, ये फेशियल्स हेयर इनको हम बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा ब्लैक है। इनके हिसाब से हमने एक्टिवेटर यूज करना है ब्लीच में। तो मैं अभी आपको ब्लीच बनाने की जो प्रोसीजर है, मैं अभी बताती हूँ कि ब्लीच हम इनके फेस के अकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे। सो देखिए प्लीज फ्रेंड्स, ध्यान से देख लीजिए। फेस के अकॉर्डिंग मैंने ब्लीच क्रीम ले ली है, लेकिन जैसे फेशियल हेयर इनके बहुत ज्यादा ब्लैक थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक्टिवेटर का यूज करना है। तो हम हाफ स्पून, कम से कम हाफ स्पून एक्टिवेटर का यूज करेंगे। देखिए, ओनली हाफ स्पून, हाफ स्पून इज अ सफिशियंट। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, देन फेस पे अप्लाई करेंगे। हम ब्लीच जब भी अप्लाई करते हैं, सबसे पहले साइड स्ट्रोक्स जो होते हैं, साइड स्ट्रोक्स फेशियल हेयर्स, इन पे एप्लीकेशन करना स्टार्ट करते हैं। साइड स्ट्रोक्स करने के बाद हम फोरहेड पे जाते हैं, चिन पे हम लास्ट पे लगाते हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि चिन पे जब भी हम ब्लीच की अप्लाई करते हैं तो चिन पे रेडनेस आ जाती है। बिकॉज जो चिन एरिया होता है ना, बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। चिन एरिया पे हम लास्ट पे आएंगे, जब भी ब्लीच करिए चिन एरिया लास्ट में ही कवर करिए। बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि नेक को छोड़ देंगे तो वो पोर्शन अलग ही लगेगा। फेस के साथ नेक को भी कवर बहुत अच्छे तरीके से करना होता है। और अब हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, लेकिन 15 मिनट के अंदर अंदर हमने इसको विजिबली चेक करना है। एक मतलब 5-7 मिनट बाद हमने साइड स्ट्रोक्स को चेक जरूर करना है, क्योंकि कईयों की बहुत सेंसिटिव स्किन होती है, तो सेंसिटिव स्किन होने की वजह से उनके रेडनेस बहुत ज्यादा आ जाती है। इस वजह से हमने 5-7 मिनट के बाद हमने विजुअली चेकिंग करनी है बीच में आके, कि कहीं रेडनेस तो नहीं हो रही है क्लाइंट के, या कहीं इचिंग तो नहीं हो रही है। क्लाइंट को पूछना है, पूरा कंफर्म करना है क्लाइंट से। वैसे इसका प्रॉपर टाइम 15 मिनट ही होता है, तो हम अब इनको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप सबने देखा
कि उनके बाल अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। देखिए जो मैंने आपको दिखाए थे बिल्कुल ब्लैक हेयर थे, जो फेशियल हेयर उनके ब्राउन हो चुके हैं। इट मीन्स हमारी ब्लीच बहुत अच्छे से हो चुकी है। आफ्टर 15 मिनट मैंने इनकी ब्लीच देखो बिल्कुल क्लीन कर दी है और ब्लीच का रिजल्ट भी देखो बहुत अच्छा आया है। देख सकते हो आप इनका फेस।